अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर मी? इज माय वॉइस क्लियर क्लास? डू टेल मी फर्स्ट, इज माय वॉइस क्लियर? कैन यू हियर मी? पीछे से नॉइस आ रहा है। ओके, क्लियर है, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? नॉइस कैसा आ रहा है? पीछे तो कोई बोल भी नहीं रहा। अच्छा जी, यानी नॉइस कैसा है अब? ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। हाँ, फैन के अब फैन तो लगाना ही है ना, फैन बंद कर दे। फैन की आवाज आ रही है, ठीक है, छोटे फैन की आवाज आ रही है। फैन वॉइस ही है। ओके जी, चलिए फैन वॉइस को जो है फैन को भी बंद कर देते हैं, अभी हो सकता है। अभी देखिए, अभी ठीक है आवाज, अब तो नहीं फैन की नॉइस है, अभी देखिए आप जी। अब मुझे बताएं जरा, ठीक है? जी बढ़िया, आप ठीक है? हाउ सर है? जी स्टूडेंट्स, हेलो, नो बैक फ्रॉम यू। जी गुड मॉर्निंग, How are you, Lisa, Nishru, Sahar? Okay, Sunaina, मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये Sunaina, रूप, निश और ये मिशेल, ये जब मैं इनको देखती हूँ, और फिर जब वो फातिमा, हाजरा, उनके नाम देखती हूँ, मुझे ये नहीं कहना पड़ता आप उठ जाए यहाँ से, आप उठ जाए यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सीट्स, मुझे ये नहीं कहना पड़ता। ये चीज है। अच्छा जी, चलो जी, सब राइटिंग हम लोग क्लास कर रहे थे, ठीक है, बाकी बातें तो चलिए होती ही रहेंगी साथ साथ में। अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की स्टूडेंट्स को क्या समझ आई? अगर मैं होती तो लाजमी सी बात है, मैंने खुद आप लोगों को पूछना था कि व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, के मुझे बताएं कि अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है क्या, ठीक है? तो अभी कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बेसिकली है क्या? जी, क्या समझ आई आपको अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग? जी ओके जी, ये कवर भी लेते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का। व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग? पहले हमने ये देखा था रीजंस फॉर नॉट राइटिंग के क्या वजह है, कि राइटिंग जो है वो स्टूडेंट करता है डिफिकल्ट, नोइंग वेयर टू हैव टू स्टार्ट, के कहाँ से शुरू की जाए, नहीं जानते कि कैसे स्टार्ट की जाए, एंग्जाइटी होती है, राइटिंग स्किल्स जो होती हैं वो जो है हमारे पास एक राइटिंग स्किल्स नहीं होती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है,
Why writing is important? Reading makes a full man confess a ready man, but writing and accept man outlines definition, function, purpose, abstract, quality, style, structure of an abstract forces, abstract pay, writing and abstract human words, अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन देखें, पहले डेफिनेशन देखें, उसके बाद मुझे आप लोग बताएंगे कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया इस विषय से, ठीक है। No answer from you people. Okay, an abstract जो होता है ये short summary होती है, brief summary होती है, outline होती है किसी भी paper की, larger document की, study की या presentation की, ठीक है। हम abstract writing की बात कर रहे हैं। abstract जो है वो एक normal सा भी हो सकता है, abstract writing जो है वो हम shorter way में लिखते हैं, लेकिन important जो होते हैं points वो सारे के सारे हम इसमें लिखते होते हैं। When people write good abstract, कहते हैं कब लोग जो है abstract लिखते हैं, when submitting articles, जब वो articles देते हैं, especially online journals देते हैं, apply करते हैं, scholarship grants के लिए, writing करते हैं, book proposal के लिए, सारी चीज़ें जो हैं हमारी abstract writing में आ जाती हैं, जब लोग abstract लिखते हैं। हम लोगों ने जो है स्टूडेंट्स में आप लोग को एक ओवरव्यू इसलिए ले लेती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के कल सिग्नल प्रॉब्लम था या जो स्टूडेंट अभी नहीं आए हुए थे, ठीक है, तो उन सब का जो है मैं एक कह देती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है जो वो ले लेंगे, मतलब उनको समझ आ जाएगी। इस वजह से जो है मैं आप लोगों का एक ओवरव्यू जो है वो लेना शुरू कर देती हूँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेना, ताकि जिन बच्चों ने कल अटेंड नहीं किया लेक्चर तो उनको भी समझ आ जाए कि हम लोग कर क्या रहे थे बेसिकली। इस वजह से थोड़ा सा जो है मैं उसका पीछे से बैकग्राउंड बताना शुरू कर देती हूँ। आमिर एक दो दिन मुझे नजर आया, उसके बाद मुझे नजर नहीं आया। हमने क्लासेस नहीं लेना, और शाहरुख को भी हमजा आपने, मैंने आपको बोला था हमजा कि आप जो है शाहरुख को कहें, शाहरुख से पूछ के बताएं कि भाई वो क्लासेस क्यों नहीं ले रहा। बाकी तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर ही हैं सारे। ठीक है जी, मैं सबमिटिंग आर्टिकल्स, जब आर्टिकल्स जो हैं वो सबमिट करवाने होते हैं, जर्नल्स स्पेशली ऑनलाइन जर्नल्स जो होते हैं वो सबमिट करवाने होते हैं, अप्लाई करे होते हैं ग्रांट्स के लिए, व्हेन राइटिंग अ बुक प्रपोजल, बुक का कोई प्रपोजल लिखा जाता है, व्हेन पीपल राइट टू ग्रुप, चेक करते हैं कब लोग जो है अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं, व्हेन कंप्लीटिंग द पीएचडी और थीसिस, जब लोग जो है पीएचडी करते हैं, थीसिस करते हैं, व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ कॉन्फ्रेंस पेपर करते हैं, व्हेन राइटिंग अ प्रपोजल फॉर अ बुक चैप्टर, जब एक बुक चैप्टर का कोई अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करनी होती है, ठीक है, लिखना होता है वो अब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर होता है उसका लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्वालिटीज क्या होती है इसकी, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, ये बातें आप लोगों ने बहुत जहन में रखनी है। अगर अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का मैंने आपको टेस्ट दे भी दिया, सडन का भी टेस्ट हो भी क्लास में आप लोगों से पूछा जाए, तो आप लोगों को फौरन ये बातें पता होनी चाहिए कि अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट। वन और वेरी रिलेवेंट पैराग्राफ्स होते हैं, शॉर्ट होता है, 550 to 300 वर्ड्स का होना चाहिए, इंक्लूड ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट, लार्जर टेक्स्ट के जितने भी मेजर एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए, ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आप अपने पास नहीं दे सकते, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल भी बड़ी डिटेल में बताई थी, नेक्स्ट डे जब मैं लेक्चर का एक ओवरव्यू देती हूँ आप लोगों को देती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मैं साइज वे में बताती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो,
ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग उस लाइट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, जब मैं आप लोगों को करवा रही होती हूँ। भूलना नहीं है, वन और मोर वैलिड पैराग्राफ होते हैं, एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं जो 50 to 300 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, और तमाम मेजर पॉइंट्स जो हैं इसमें किसी भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। ऑर्डर में ही ये सारा लिखते हैं, ये नहीं कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लास्ट में दी है वो आप लोग बिगनिंग में डाल दें, जो बिगनिंग में दी हुई है वो आप मिडल में डाल दें, जो मिडल में दी है वो बिल्कुल आप लोग उसको कंक्लूड कर दें, आप लोग बिल्कुल लेंथ पे नहीं है। ये सारी वहाँ पर चीज़ें नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने बच्चों को प्रोफेशनल राइटिंग होती है, ये ऐसे ही नहीं होती, क्लियर टू एवरीवन। और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, आप अगर कहें कि जी मेरे पास जो है आप वेबसाइट राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी थीसिस की कर रहे हैं या किसी बुक की कर रहे हैं, किसी आर्टिकल की कर रहे हैं, आप आर्टिकल जो है जी पाकिस्तान के बारे में, अब आप कह रहे हैं जी हिस्ट्री उसमें बताई नहीं हुई पाकिस्तान की, उसमें हालात सारे क्या बताए हैं, पाकिस्तान बनने के बाद के बताए हुए हैं, तो आप लोग जो है वो पहले से ही बताना शुरू करें। तो मुझे तो हिस्ट्री का पता है, पहले क्या हुआ करता था, बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, हाउ द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज लिव टुगेदर इन सब कॉन्टिनेंट, तो जी आप अपने पास से लिखना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं, जो अपसेट उसी का बनता है, उसी वो इंफॉर्मेशन होती है जो वहाँ से ली हुई होती है, ठीक है। मुबशरा को आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं आती बच्चे, मुबशरा को आवाज़ कट ही जाती है, मुबशरा कहती है मेरी आवाज़ कट ही जाती है। जी टाइप्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा आप इसको पढ़ें ताकि मैं आप लोगों से पूछूं और आप लोगों का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हम लोगों ने किया क्या था। जी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हमने कल देखी थी, डिस्क्रिप्टिव थी, इन्फॉर्मेटिव टाइप्स थी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में ये देखें यूजफुल ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में ये यूज़ होता है मोस्टली सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, साइकोलॉजिकल ऐसे हैं, डिस्क्रिप्टिव अब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। आगे डिस्क्राइब्स द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू आवर रीडर, मेजर पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे इसमें लिखे होते हैं, 50 to 100 वर्ड्स जो हैं डिस्क्रिप्टिव में वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। अगर इंफॉर्मेटिव को देखा जाए, यूज फॉर साइंसेज इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी के रिपोर्ट जितनी भी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ द ऑल इसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द पेपर, इसेंशियल पॉइंट जितने भी होते हैं पेपर के वो आ जाते हैं, अबाउट 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स पर जो है ये मुश्तमिल होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो शॉर्ट लिखा जाता है, 50 to 100 वर्ड्स में लिखा जाता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव जो है वो 200 वर्ड्स में लिखा जाता है। सर थोड़ा
जी आगे क्या है स्ट्रक्चर जो है उसका अगर देखा जाए डिस्क्रिप्टिव का है टॉपिक ये बैकग्राउंड हमारे पास आ जाता है ठीक है पर्पज आ जाता है पर्टिकुलर इंटरेस्ट फोकस होगा पेपर के अंदर फोकस किस तरह से किया जाता है पेपर पे वो सारा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और भी करते हैं ऑफ कंटेंट्स को इंफॉर्मेटिव की तरफ देखा जाए टॉपिक बैकग्राउंड जो है वो हम लोगों ने लिखना होता है रिसर्च क्वेश्चन लिखने होते हैं ये मोर पर्पज ऑफ रिसर्च लिखना होता है मैथड यूज कौन से करनी है वो लिखना होता है रिजल्ट फाइंडिंग्स कंक्लूजन वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं ठीक है इसको पढ़ लें आप एक दो दफ़ा जो नहीं समझ आता पूछो मेरे से जी राइटिंग फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट जो है हम लोगों ने पढ़ा था उसमें था नीड ठीक है रीड ओवर योर पेपर एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर ईच सेक्शन क्या कहते हैं कि जो भी हम लोगों ने अब्स्ट्रैक्ट बनाना है पहले उसको पढ़ना है ठीक है अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को लेना ठीक है ओवर योर पेपर कहते हैं पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर ईच सेक्शन जितने भी हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं जितने भी पैसेजेस बने हुए हैं जितने भी पैराग्राफ्स बने हुए हैं उसमें से आपने क्या करना है उसके की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है बहुत अच्छे तरीके से उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको करना है जिस तरह से आप लोग करते हैं तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इसके की पॉइंट्स आप लोग बनाने आते हैं ऐसे ही है ना जब मैं आप लोगों को करती हूँ लेक्चर लेती हैं तो मैं आपको ये कहती हूँ कि की पॉइंट्स पेपर पेंसिल निकालनी हो की पॉइंट्स लिखना शुरू करें उसमें ठीक है तो हर सेक्शन के जो है आपने की पॉइंट्स लिख लेने हैं डी कहते हैं ईच सेक्शन एंड स्ट्रिंग द इंफॉर्मेशन इन ईच टाउन टू वन टू टू सेंटेंसेस क्या कहते हैं कि रीड करें इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने रीड करना है फिर री रीड करना है आप लोगों ने इसको ठीक है हर सेक्शन को री रीड करना है आप लोगों ने उसके बाद जो है आप लोगों ने श्रिंक इंफॉर्मेशन को श्रिंक कर देना मुख्तसर कर देना है ठीक है हर वर्ड इन ईच डाउन टू वन टू टू सेंटेंसेस क्या कहते हैं कि हर पैसेज में से अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है और हर एक का जो पहले एक जो है आप लोगों ने उसको दो दो जुमलों पर एक या दो जुमला हो इससे ज़्यादा ना होता है ठीक है सबसे पहले आपने उसको पेपर को पढ़ना है डाटा को एक अच्छे तरीके से पढ़ना है उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है की पॉइंट्स क्या हैं इसके हर सेक्शन में से हर पैराग्राफ में से ठीक है फिर आपने उसमें क्या करना है कि आप लोगों ने उसमें की पॉइंट्स बना लिए किस हर सेक्शन के ठीक है फिर दोबारा से पढ़ना एक दफ़ा पढ़ लिया ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको हाईलाइट कर लिया जो की पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर लिया रीड दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया इस सेक्शन एंड श्रिंक द इंफॉर्मेशन ईच डाउन टू वन टू टू सेंटेंसेस एक या दो सेंटेंसेस में वो जो है आ जाना चाहिए इंश्योर कहते हैं यू हैव रिटन वन टू टू सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द की पॉइंट्स आउटलाइंड अबव कहते हैं आप इस चीज को श्योर कर लें कि यू हैव रिटन वन टू टू सेंटेंसेस के एक या दो जुमले ही आपने लिखे हैं वो रीच ऑफ द की पॉइंट्स आउटलाइन अबव जितनी भी आपने आउटलाइन बनाई है वो जो एक पैसेज है उसमें से आपने जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो सिर्फ एक या दो जुमले होने चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए ओके
कनेक्टिविटीज में क्या होना चाहिए, कनेक्ट द आइडियाज विद एप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस। अब क्या हुआ कि फर्स्ट पैसेज में से हम लोगों ने पहले पूरे एक दफा उसको रीड किया, उसको जहन में बिठाया, जब आप अब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है। समरी राइटिंग का भी सेम तरीका होता है, सेम मेथड ही है समरी राइटिंग का, ठीक है। अच्छा, समरी राइटिंग में भी आप लोगों ने इसी तरह से देखना होता है, क्योंकि आपको मैं इससे समरी राइटिंग की कर रही हूँ कि सेकेंड थर्ड ईयर में आप लोगों की समरी राइटिंग भी है, ठीक है। थर्ड ईयर में समरी राइटिंग आप लोगों ने करनी है, अभी जब एग्जाम होंगे आप लोगों के, वही अपडेट्स आएँ एग्जाम्स के बारे में तो मुझे भी जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। ओके जी, क्या कहते हैं, पहले एक ओवरव्यू लिया, पेपर रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से की हम लोगों ने, उसमें से की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे क्या किया, रीडिंग सेक्शन जितने भी दोबारा से हमने उसको पढ़ना शुरू किया, जितने भी सेक्शन थे हमारे पास, हमने उनको हाईलाइट किए, लोगों को हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उसको एक या दो सेंटेंस वर्ड मुश्तमिल कर लिया, जितना भी हमारे पास एक एक पैराग्राफ था, ठीक है। इंश्योर किया हम लोगों ने रिटन वन टू टू सेंटेंसेस को ईच होगा कि हमें आउटलाइन अबाव, फिर क्या किया हम लोगों ने आउटलाइंस बनाई उनकी, ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। अब उन पॉइंट्स को हमने अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में जब चेंज करना है, जाहिर सी बात है लास्ट पॉइंट हमारे पास, हम क्यों कर रहे हैं सारा कुछ अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है उसको स्ट्रक्ट राइटिंग में जब किया, कनेक्ट किया उसको, ठीक है, तो हमने देखना है कि इसकी ट्रांजिशन अप्रोप्रिएट है, इसकी कनेक्टिविटी सेंटेंस जो है आपस में इनका भी कोई कनेक्शन है या नहीं, इनका आपस में कोई रब कायम हो रहा है कि नहीं, ट्रांजिशन ठीक। हम ये नहीं कि फर्स्ट पैसेज जो था हमारे पास वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान था, सेकेंड जो था वो हमारे पास कायद आजम था, थर्ड जो था वो था for participation of different politicians और इलामा इकबाल की participation का था, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे कि ये नहीं कि हमने फर्स्ट जो है वो सारा क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का लिख दिया दो तीन सेंटेंसेस, उसके साथ ही हम रिलेट करेंगे कायदे आज़म, उसके साथ ही रिलेट करेंगे इलामा इकबाल की जो भी उनकी participation थी, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज की फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो हर जुमले के दरमियान ये नहीं होना चाहिए कि पहले दो जुमले वो बिल्कुल ही अलग टाइप के बनाए हुए हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आपका अलग से है, वो आप लोगों का जो है वर्ड्स ही अलग आप लोगों ने बनाए हुए हैं, वो जो है वो सारा पास्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर में आ गया है, नेक्स्ट जो है आप लोग एक ही तरह के सेंटेंस जो है आपने लिखने हैं, ठीक है। ट्रांजिशन होनी चाहिए उनमें, एक रब कायम होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, जो भी आप लोग अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को खुद दिखाऊंगी कि यहाँ पर काफ़ी जो है हुए मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट जो है फाइनल ईयर में, जारी सी बात आपका रिसर्च वर्क भी होता है, तो रिसर्च में जो है वो अब्स्ट्रैक्ट भी लिखते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो जब अब्स्ट्रैक्ट होता है, अब वो सारा रिसर्च वर्क जो नहीं पड़ेगा वो बिगनिंग में अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग हो जाती है, तो उसमें सारे का सारा आप जो शॉर्ट एंड कंसाइज का अब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ था वही सारे पढ़ लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि रिसर्च में है क्या, तो वही अब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लिखा हुआ होगा, तो आप मुझे बताएं कि आपके अपनी क्या इंप्रेशन जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए वो बताया मैंने कि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है सेंटेंसेस के दरमियान, कि वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांजिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, राइटिंग क्या होनी चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट की ऐड एंड रिमूव, क्या ऐड करना है आप लोगों ने और क्या रिमूव करना है, टेक्स्ट ऐड रिलीज, जैसा कि हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। ये पिछले वाली स्लाइड क्लियर है आप लोगों को, स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क, पढ़ ली स्लाइड को आप लोग, जो नहीं समझ आता पूछ लें मेरे से। जी
राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट एड एंड रिमूव टेक्स्ट एज नीडेड कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग जब होती है आप इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो उसमें लिखा हुआ सिर्फ वही, और रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है. क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करेंगे तो आप लोगों को बड़ी अच्छी सी करनी आ जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ठीक है, क्या कहते हैं एंड भी चीज़ें करनी है और आप लोगों ने उसमें रिमूव भी करनी है. ठीक है, चेक द वर्ड लेंथ एंड फर्दर रिड्यूस योर वर्ड्स इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी वर्ड्स. क्या कहते हैं कि चेक करें वर्ड्स लेंथ क्या है आपके पास, ठीक है, कितने अल्फाज आते हैं आपके पास, और फर्दर रिड्यूस योर वर्ड्स इफ नेसेसरी कहते हैं कटिंग आउट अननेसेसरी वर्ड्स, कहते हैं कि फर्दर जो है आप अपने वर्ड्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कटिंग आउट अननेसेसरी वर्ड्स कर सकते हैं. वर्ड्स और री राइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट, कहते हैं वर्ड्स और री राइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस, कहते हैं वर्ड्स वहाँ पर लिखे हुए हैं री राइट करें सम सेंटेंसेस को शुड बी करेक्ट, जो कि बिल्कुल सही होने चाहिए. ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शब्द तो नहीं होंगे आप लोगों का. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया 50 to 100 वर्ड्स होंगे आपके. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के और इंफॉर्मेटिव के जो हैं वो कितने वर्ड्स होंगे जी, कौन बताएगा मुझे? इंफॉर्मेटिव के मैंने कितने वर्ड्स कहा था और डिस्क्रिप्टिव के कितने वर्ड्स कहा था जी? बच्चा जी शाबाश, इंफॉर्मेटिव के जो है वो 200 वर्ड्स है, डिस्क्रिप्टिव के 50 to 100 वर्ड्स है. ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि क्या हमने जो अब्स्ट्रैक्ट बनाया है, शाबाश वेरी गुड, कि इसके वर्ड्स जो है वो इन दोनों के दरमियान हैं इतने वर्ड्स हमारे. ठीक है, सहर को मैंने सबसे पहले जवाब दिया, मुझे बाकी सब सो तो नहीं गए हैं ऑन करके. अब यू नो मैम वी आर नॉट स्लीपिंग वी आर वेकिंग, हम जाग रहे हैं आपको सुन रहे हैं. ठीक है, अब आपके वर्ड्स का पता है आपको कितने होने चाहिए, आपको ये भी पता है कि इंफॉर्मेटिव है अब्स्ट्रैक्ट या फिर क्या है डिस्क्रिप्टिव है. ठीक है, ऐड रिमूव किया जा सकता है, तो उसमें क्या है अगर वर्ड्स कम है तो आप उसमें मजीद ऐड कर देंगे, अगर 200 वर्ड्स से ज़्यादा हो रहे हैं या 100 वर्ड्स से ज़्यादा जा रहे हैं तो आप उसमें रिमूव कर देंगे टेक्स्ट. ठीक है, आप हर वर्ड लेंथ उसकी चेक करेंगे. ठीक है, अपने रिड्यूस करने हैं तो अगर ज़रूरत है रिड्यूस करने की तो अननेसेसरी पॉइंट्स को रिड्यूस करेंगे उसमें. वर्ड्स और रीराइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट, कहते हैं कुछ वर्ड्स होने चाहिए रीराइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट, देखना चाहिए कि जो आप लोगों ने लिखा है क्या वो दुरुस्त है, क्या वो करेक्ट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ. रिवाइज एंड एडिट फॉर फ्लो एंड एक्सप्रेशन, कहते हैं रिवाइज करेंगे और आप एडिट करेंगे फॉर फ्लो एंड एक्सप्रेशन प्रूफ रीड. ठीक है, रिवाइज करेंगे आप उसको और एडिट करेंगे फ्लो एंड एक्सप्रेशन, देखेंगे कि उसका फ्लो क्या है, उसके एक्सप्रेशन क्या है, अगेन ट्रांजिशन क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ सेंटेंस क्या है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ये बहुत ज़रूरी होता है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में, समरी राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में. विच यू आर गोइंग टू राइट इज अ करेक्ट, इज अ बेटर ट्रांजिशन बिटवीन द सेंटेंसेज एंड द वर्ड ऑल्सो. ठीक है, प्रोफेशनल राइटिंग में बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो रिवाइज आप इसको सारा कुछ आपने देख लिया, पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया कि कितना होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों ने देख लिया कि ट्रांजिशन सही है या नहीं सही, फिर आप लोगों ने पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया उसको रीड किया और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, सेकेंड टाइम में आप लोगों ने री रीड किया उसको. ठीक है, सेकेंड टाइम जब रीडिंग किया आपने उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया और हर सेक्शन के हर पैराग्राफ के दो दो जुमले उसमें से बना लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख लिए, उसके बाद आपने जो है वो वहाँ पर लिख लिया सारे का सारा और ये देखा कि इसमें ट्रांजिशन ठीक है, करेक्शन ठीक है ये. ठीक है, उसके बाद आपने देखना है क्या हमने इसमें मजीद ऐड करना है, क्या रिमूव करना है. जब आप वर्ड्स वहाँ पर देखेंगे कि 50 to 100 डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट के लिए, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास नॉट मोर देन 200 वर्ड्स हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कुछ रिमूव करना है. हमारे तो 300 वर्ड्स हो गए हैं, 250 वर्ड्स हो गए हैं, तो आप उसमें से कटिंग करना शुरू कर देंगे. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो रहने देंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उसको छोड़ देंगे. ठीक
Okay, check the word length and future reduce your words if necessary by cutting out unnecessary. फिर आपने क्या करना है, जो unnecessary words हैं उनको काटते चले जाएंगे, जो most important information है उसको add करते चले जाएंगे. Words को फिर आपने rewriting करनी है. कुछ होते हैं words जो हम कहते नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा word है इसकी इसको, ठीक है. देख लें सारा कुछ correct ही लिखा हुआ है आपने, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, spelling mistakes तो नहीं है, यही level है, ठीक है. यही step में आप लोग ये सारा कुछ करेंगे जब आप writing and abstract कर रहे हैं, ठीक है. तो कुछ मुश्किल तो नहीं है उसमें लिखने में, कुछ जुमले गलत तो नहीं है हमारे पास, जो words हमने लिखे हैं वो wrong तो नहीं लिखे हुए. अब आप उसको रिवाइज करना शुरू, जब आप एक दफ़ा सेटिस्फाइड होते हैं कि जी मैंने जो है ट्रांजिशन ऑफ सेंटेंसेस भी मेरी ठीक है, जब आप लोग देखना शुरू हो गए कि हाँ जी हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन ऑफ सेंटेंस भी ठीक है, मेरे पास स्पेलिंग भी ठीक है, वर्ड्स के मेरे पास जो है एक फ्लो जो है राइटिंग का वो भी बिल्कुल ठीक आ गया है, मेरे पास स्पेलिंग्स भी ठीक है, मेरे पास कनेक्टिविटी ऑफ सेंटेंसेस भी ठीक है, अपनी तरफ से आप सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है. तो आप उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है. जब आपने उसको रिवाइज करना शुरू किया तो फिर आप करेंगे एडिट फॉर फ्लो एंड एक्सप्रेशन. फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसका फ्लो देख सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, जो आप जो बताया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है. अब रिवाइज भी हो गया, ठीक है. हम शुरू कहाँ से लेते, स्टेप राइटिंग के फर्स्ट पॉइंट स्टेप क्या था कि हमने पहले उसको पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया. सेकेंड हम लोगों ने उसमें से फिर अब्स्ट्रैक्ट किया जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे. उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजिशन ऑफ सेंटेंसेस देखा, स्पेलिंग देखा, स्ट्रक्चर देखा, जो ऐड करना था ऐड किया, रिमूव करने वाला था रिमूव किया, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हमने रिमूव कर दिया, री राइटिंग किया सेंटेंसेस को, जो करेक्ट है उनको लिखा, रिवाइज किया एंड एडिट किया. अब एंड वाला सेक्शन है हमारा प्रूफ रीडिंग का, जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ कि प्रूफ रीडिंग होती किस तरह से. हमेशा ले आपको आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चे, बच्चों आप लोगों का नहीं हो रहा होता ना अगर, तो हम लोग रिकनेक्ट कर लिया करें, ठीक है. बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें कि रिकनेक्ट किया करें एक दफा, लिंक से आउट होके इन हुआ करें, हो सकता है इंटरनेट इश्यूज हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस तरह से, ठीक है. प्रूफ रीड मैंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप लोगों को करवाया था. प्रूफ रीडिंग आप लोग सामने हो तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि प्रूफ रीडिंग के प्रूफ रीडिंग बेसिकली है क्या. नॉइस है बच्चों, नॉइस पता नहीं किस चीज का है, अब मैंने तो बंद करवा दिया हुआ है, क्या मसला हो रहा है इसको. हाँ रिफ्रेश नहीं करना, आप इसको जो है रूम से एग्जिट होके अगेन एंटर हुआ करें बच्चों आप लोग, ठीक है. शाइसा कभी हो रहा पता नहीं आज का मसला हो रहा फिर आप लोगों के साथ. ओके ओके आप वॉइस क्लियर हो गया मिशेल को, चलो शुक्र है ठीक हो गई. अच्छा जी प्रूफ रीड मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को करवाया था, ठीक है. प्रूफ रीडिंग की मैंने टेक्निक्स भी बताई थी आप लोगों को काफी डिटेल्स में, ठीक है. अब आप लोग वही बात के सामने होते तो मैं आप लोगों से पूछती कि हाँ जी क्या होता है प्रूफ रीडिंग, क्या होती है क्या नहीं होती है. अली हमजा और बट्टा आप लोगों ने मुझे एक काम करना है कि मैंने जितने भी टॉपिक्स पर बात की है ना वो आप मुझे काइंडली सेंड कर दें, ताकि मैं वो जो हूँ आप लोगों को शालामार ई लर्निंग स्लैम्स का जो पोर्टल है उस पर तमाम की तमाम पीपीटीज जो है वो अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों ने जब भी बच्चों ने पढ़ना आप लोगों को मुश्किल ना हो. उसके बाद हम लोग जो है अपना टेस्ट सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट भी इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अभी आप लोगों ने करना क्या है, अभी आप लोगों ने करना ये है कि मुझे टॉपिक सेंड कर देंगे आपने जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ताकि मैं आज इंशाल्लाह ताला अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर इंशाल्लाह हमारी ई लर्निंग के पोर्टल पर जो है इसको अपलोड कर दूँगी. क्लियर, भूलना नहीं है मुझे आप लोगों ने ये सेंड करना. ओके
और मुझे सिद्रा या वर्दा आप लोगों ने बच्चे याद भी करवा देना है, ठीक है, ताकि मैं टाइम टू टाइम जो है आप मुझे रिमाइंडर देते जाएंगे, तो मैं जैसे ही लेक्चर से फ्री होती हूँ तो फिर मैं ये सारा का सारा काम करती जाऊँगी, ठीक है। एक्चुअली लेक्चर्स ये के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस वजह से। अच्छा जी, मैंने आपको ये कहना था कि जितने अभी तक तक मैंने टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं वो मुझे आपने सेंड करने हैं, ठीक है। जितने टॉपिक्स अभी आपने पढ़ लिए हैं ना वो मुझे करें, ताकि मैं शालामार ई लर्निंग के जो है आप लोगों की वेबसाइट आप लोगों को दी हुई है, एक पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल दिया हुआ है, उसके ऊपर मैं ये सारे के सारे अपलोड कर दूँ जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, फिर आप PPTs जब अपलोड हो जाएंगे तो आप लोग जब भी चाहें वहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अभी तक मैंने की नहीं है आप लोगों को, तो वहाँ पर कर लें, वहाँ पर टेस्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो फिर शुरू करेंगे आप लोग, क्लियर। अच्छा जी, प्रूफ रीडिंग की टेक्निक्स जो है मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कि प्रूफ रीड किस तरह से करती है, ठीक है। बुक स्ट्रक्ट राइटिंग में, समरी राइटिंग में प्रूफ रीड जो भी कोई भी जो है वो किया जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। प्रूफ रीड करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपका जो राइटिंग आपने किया उसको थोड़ी देर के लिए आप रख लें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वो जब थोड़ी देर के लिए आपको चीज़ें रख देंगे तो आप लोग क्या करेंगे उसमें, ये प्रूफ रीड करने के लिए जो जरूरी है वो यही है कि फिर जब आप दोबारा करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें से देखेंगे आप, पंक्चुएशन जो है वो देखेंगे, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा ही नहीं देखनी, आप लोग प्रूफ रीडिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। बेहतर यही है कि आप जो है रिवर्स में जाएं, उल्टा पढ़ना शुरू कर दें, लाइक लास्ट से जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये साइड आप लोगों के सामने है, तो मैं करूँगी रीड प्रूफ एक्सप्रेशन एंड फ्लो फॉर एडिट एंड रिवाइज। इस तरह से जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी पता चलता जाएगा, और जो है आप लोगों को ये भी पता चलता जाएगा कि आप लोगों ने सही लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ये था प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग करने की डिफरेंट टेक्निक्स थी, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में करवाया है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, थर्ड ईयर में करवाया था एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। याद है वो बड़ी सारी चीज़ें हैं, भूलनी है जी स्टूडेंट्स। याद है या भूल गए, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, अभी तो पेपर भी देने हैं आप लोगों ने, सारी सी भूल गए हैं। जी प्रूफ रीडिंग की टेक्निक्स याद हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को, यहाँ भूल गए हैं, इतने काम गुम हो जाते हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा होता आप लोगों की तरफ से। तो जो आपको तो याद है बच्चे सारा कुछ, मेरी और बस भूलना नहीं है इसको, ठीक है। कोई टेक्निक बता भी तो दे मुझे, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की टेक्निक्स क्या थी जी। Thank you.
चलिए जी, स्टूडेंट्स को याद है। चलिए मेरी अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को याद है प्रूफ रीडिंग का, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, जब एक चीज़ लिख दी जाती है तो उसके बाद प्रूफ रीड किया जाता है उसको। प्रूफ रीडिंग के लिए आप जो है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, सबसे पहले पंक्चुएशन को देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क जहाँ पर फुल स्टॉप होना था, जहाँ पर कोमा होना था, वहाँ पर ही लिखा हुआ है, लगा हुआ है, बोलिया नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने वो देखना होता है कि हम लोगों ने जो ट्रांजिशन ऑफ सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ठीक है हम लोगों के पास, ठीक है। प्रूफ रीड में बहुत हद तक जो है हम लोग सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें देखते हैं कि उसमें प्रूफ रीड करने के बाद कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक्स या कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर या कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो उसमें ख़त्म ना हो, बल्कि सारे का सारा जो है वो उसमें लिखा जाए, ठीक है। ये होती है प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग की बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को PPT भी करवाई हुई है बच्चों, जो कि आप लोगों ने भूलनी नहीं है, ठीक है। चलें जी, इसको पढ़ लें। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो टेल मी नाउ, आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस।
These students should need to ask any question regarding this slide and abstract writing to tell me class. Next,
जो स्टूडेंट्स होती हैं आप लोगों के क्लास सबकी होगी अटेंडेंस, मेरा की भी होगी, जो बच्चे लेट हुए हैं जिनका कनेक्शन इशू था उनकी भी होगी। ओके ओके, दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास, हैव नाइस डे एंड कीप यू मूविंग योर प्रेयर्स, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव्ड वंस।